4 अगस्त 2021, ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में कार्रवाई की। बड़े बिजनेसमैन और अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है कि गौतम थापर के खिलाफ कोई मामला सामने आया हो। साल 2019 से ही उन्हें लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कई मामले आए तो जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं। पहले जहां सीबीआई ने शुरू की थी, अब इसमें ईडी भी जुड़ गई है। जांच एजेंसियों ने हाल ही में दिल्ली और मुंबई में अवंता ग्रुप और गौतम थापर समेत कई सीनियर अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद थापर से पूछताछ भी की गई थी। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर कौन है गौतम थापर और किस वजह से देश की बड़ी एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हैं? आइए सारी कहानी जानते हैं तफसील से। तकरीबन 60 साल के इस गौतम थापर पेशे से केमिकल इंजीनियर हैं, लेकिन बिजनेस की दुनिया में इन्होंने बड़ा मकाम बनाया है। भारत के बड़े बिजनेसमैन करमचंद थापर के पोते गौतम थापर दून स्कूल से पढ़े और उसके बाद अमेरिका के प्रैट इंस्टीट्यूट से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने चले गए। ये वही दौर था जब फर्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अमेरिका जा रहे थे। इस दौर में अमेरिका में केमिकल इंजीनियर के तौर पर उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। गौतम का अमेरिकी वीजा एक्सपायर होने को था। बेमनी सही वो भारत लौट आए। भारत आए तो अपने परिवार के बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी मिली। उन्हें BILT की कमान सौंपी गई। कागज बनाने वाली बल्लापुर इंडस्ट्रीज उस वक्त बुरे दौर से गुजर रही थी। कंपनी में एक तरफ लेबर यूनियन हावी थे तो दूसरी तरफ बिजली पानी का भारी संकट था। उस पर चुनौती ये कि कंपनी इस वक्त दुनिया के कई देशों में यूनिट खोलने की योजना बना रही थी। गौतम थापर ने आते ही कंपनी के सारे एक्सपेंशन प्लान रद्द कर दिए, संपत्तियां बेची और लेबर प्रॉब्लम को हल किया। एक साल के भीतर ही असर दिखा और बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी कंपनी मुनाफे में आ गई। गौतम थापर का रुतबा अपने परिवार में ही नहीं बल्कि बिजनेस कम्युनिटी में भी बढ़ा। उन्होंने कई कंपनियों में बड़ी जिम्मेदारी संभाली। साल 2004 में उन्होंने बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनी क्रॉम्पटन ग्रिव्स के चेयरमैन का पद संभाला। इसके दो साल बाद यानी 2006 में गौतम थापर ने CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस समूह के चेयरमैन का पद संभाला। बिजनेस जगत में उनके बेहतरीन योगदान के लिए साल 2008 में उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलने वाला अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। पिछले कई सालों से BILT लगातार घाटे में चल रही थी। साल 2020 में कंपनी को लोन देने वाले बैंक अपनी वसूली को लेकर कोर्ट पहुंच गए। SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDBI बैंक जैसे बड़े बैंक कंपनी को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई की मांग करने लगे। गौतम थापर पर क्या आरोप हैं वो भी आपको बताते हैं। ईडी ने गौतम थापर पर कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं, जिनमें शामिल हैं बैंक फंड का दुरुपयोग, संबंधित पक्षों के साथ फर्जी लेन देन, गलत तरीके से बैंकों से लोन लेना, नकली वाउचर और फर्जी फाइनेंशियल डिटेल्स देना, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी। ये आरोप जांच एजेंसी ने फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं। गौतम थापर और उनकी फर्म और सहयोगियों के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए हैं। मुख्य रूप से 3 मामलों में CBI जांच कर रही है और इनमें से एक में ईडी ने एक्शन लिया है। इन 3 मामलों में से एक रिश्वत देने का, दूसरा यस बैंक का पैसा हड़पने का और तीसरा मामला 12 बैंकों के पैसों की हेराफेरी का है। आपकी सुविधा के लिए हम आपको तीनों केस अलग अलग समझा रहे हैं। रिश्वत देने से लेकर हजारों करोड़ की हेराफेरी के मामले। केस नंबर 1, CBI ने मार्च 2020 में यस बैंक के पूर्व निदेशक राणा कपूर और गौतम थापर के बीच हुए लेन देन को लेकर एक केस दायर किया। CBI के मुताबिक गौतम थापर ने यस बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक राणा कपूर को अवंता रियल्टी के जरिए बाजार से काफी कम कीमत पर एक संपत्ति रिश्वत में दी। ये मामला एक बंगले का है जो दिल्ली की प्राइम लोकेशन अमृता शेरगिल मार्ग पर है। इसका साइज है तकरीबन 1.2 एकड़। जहां दिल्ली में 2-3 BHK फ्लैट की कीमत लाखों में है, ऐसे में 1 एकड़ से बड़े इस बंगले की मार्केट वैल्यू 685 करोड़ रुपए है, लेकिन इसे राणा कपूर को आधी कीमत में बेच दिया गया। CBI का आरोप है कि गौतम थापर ने राणा कपूर को इतने सस्ते में बंगला रिश्वत के तौर पर दिया। मामला 300 करोड़ से ज्यादा की कथित रिश्वत का है। ये रिश्वत इसलिए दी गई ताकि थापर की कंपनी को 1900 करोड़ रुपए के लोन चुकाने में यस बैंक से मोहलत मिल सके। केस नंबर 2 की बात करते हैं। 9 जून 2021 को CBI ने गौतम थापर और अन्य के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। ये मामला आम जनता के 466.15 करोड़ रुपए हड़पने का है। इसे लेकर CBI ने कई जगह छापे भी मारे थे। CBI का आरोप है कि इस
गड़बड़ झाले के लिए गौतम थापर ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर एक जाल बुना। इस जाल में मुख्य रूप से तीन कंपनियां हैं, अवंता रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, झाबुआ पावर लिमिटेड, ऑयस्टर बिल्डवेल। असल में ये तीनों कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऑयस्टर बिल्डवेल में अवंता रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का भारी हिस्सा है, भारी मतलब बहुत भारी, 95% से ज्यादा। झाबुआ पावर लिमिटेड नाम की कंपनी ऑयस्टर बिल्डवेल ग्रुप में आती है। बता दें कि अवंता रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर गौतम थापर हैं। कुल मिलाकर ये कंपनियां गौतम थापर ही चला रहे हैं। इस मामले में इस बैंक ने जो FIR लिखाई है उसके अनुसार ऑयस्टर बिल्डवेल और झाबुआ पावर लिमिटेड ने मिलकर पैसा हड़प लिया है। हुआ ये कि झाबुआ पावर लिमिटेड ने एक बिजली कंपनी के 600 मेगावाट के प्लांट के मेंटेनेंस का ठेका लिया। ये ठेका 10 साल के लिए था। ठेके के लिए एक रिफंडेबल सिक्योरिटी रखनी होती है। अब चूंकि झाबुआ पावर लिमिटेड ऑयस्टर बिल्डवेल ग्रुप का हिस्सा थी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का इंतजाम ऑयस्टर बिल्डवेल को करना था। सिक्योरिटी की रकम थी 515 करोड़ रुपए। यहाँ पर यस बैंक की एंट्री होती है। बैंक ने ऑयस्टर बिल्डवेल ग्रुप को 10 साल की अवधि के लिए 515 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया। ऑयस्टर बिल्डवेल कंपनी ने कुछ वक्त बाद ही लोन की रकम का पेमेंट करना बंद कर दिया। कंपनी डिफॉल्ट कर गई और 30 अक्टूबर 2019 को लोन की रकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दी गई। यस बैंक का आरोप है कि अब भी कंपनी पर 466 करोड़ रुपए से ज्यादा का मूल बकाया है। इसे लेकर बैंक ने केस दर्ज करा रखा है। केस नंबर 3 पर आते हैं। अभी CBI दो मामलों की जांच कर ही रही थी कि देश के बड़े बैंक SBI ने CBI में शिकायत दर्ज कराई। SBI की शिकायत के आधार पर CBI ने CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को आरोपी बनाया है। ये वही कंपनी है जिसे आम लोग क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स नाम से भी जानते हैं। गौतम थापर को 29 अगस्त 2019 को CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन ने चेयरमैन के पद से हटा दिया था। उन पर अनियमितता का आरोप लगा था। गौतम और दूसरे सीनियर अधिकारियों के खिलाफ 2435 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। असल में गौतम थापर के कारनामों का शिकार सिर्फ SBI नहीं है, इसके अलावा 12 अन्य बैंकों के पैसे भी फंसे हुए थे। बैंकों की फंसी हुई कुल रकम 2435 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है जो कुल रकम का 12.81% है। दूसरे नंबर पर है यस बैंक, इसका हिस्सा 11.75% है। CBI ने जो मामला दर्ज किया है उसमें गौतम थापर के जमाने में उनके साथ काम कर रहे कई बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। CG पावर सिस्टम या क्रॉम्पटन ग्रीव्स नाम की कंपनी SBI के साथ 1988 से जुड़ी हुई है। कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की वजह से बैंकों का इस पर भरोसा भी पक्का था, लेकिन 2019 में सब बदल गया। 19 अगस्त 2019 को कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खुलासा किया कि उसके संसाधनों को बहुत कम करके आंका गया है, वो चाहे दूसरी पार्टियों को दिया गया एडवांस पैसा हो या फिर नेटवर्थ। कंपनी के बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी की संपत्तियों को ऐसी कंपनियों के लिए बंधक या कोलेट्रल के तौर पर दिया गया है जिनका मार्केट में कोई बड़ा नाम नहीं है। ये भी बताया गया कि जिन कंपनियों ने ये संपत्तियां रख लोन लिया उन्होंने लोन में लिए पैसे को दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया। जानी मानी कंपनी में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कंपनी के मुखिया गौतम थापर और उनकी टीम को कंपनी से हटाया गया। ये 29 अगस्त 2019 की बात है। बैंक ने अपने ग्राहकों को बहुत बड़ी राहत दी है। SBI ने हजारों करोड़ की हेराफेरी का जो मामला दर्ज कराया है उसमें भी गौतम थापर का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। इस घटना के बाद लोन देने वाले बैंकों ने फोरेंसिक ऑडिट करवाया, बोले तो वही खाते का पूरा तिया पांचा। इसमें पता चला कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी के फंड को गौतम थापर ने एक प्लानिंग के साथ ऐसी कंपनियों में ट्रांसफर किया जिसके प्रमोटर वो खुद थे। फॉरेंसिक ऑडिट में दूसरी गड़बड़ियों का खुलासा भी हुआ। इसकी रिपोर्ट में आरोप लगाए गए कि गौतम थापर ने CG पावर की संपत्तियों और फंड को उन कंपनियों में ट्रांसफर किया जिनसे वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। इनमें प्रमुख कंपनी थी अवंता होल्डिंग्स। इस रकम से थापर ने अपनी कंपनियों की देनदारी चुकाई। फॉरेंसिक ऑडिट में 5,290 करोड़ रुपए के डायवर्जन की आशंका जताई गई है। CBI के पास दर्ज FIR के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच बैंकों से धोखाधड़ी करके पैसे डाइवर्ट किए गए। इसके लिए फर्जी लेन देन, नकली वाउचर, फर्जी फाइनेंशियल डिटेल्स का सहारा लिया गया। पैसों के इस भारी गड़बड़झाले को सुलझाने के लिए ही CBI के बाद ED भी मैदान में उतरी है। फिलहाल गौतम थापर का केस एक गुत्थी की तरह बन गया है। CBI और ED एक सिरा सुलझाते हैं तो दूसरी उलझन सामने आ जाती है। देखते हैं कि ये उलझन कब तक सुलझ पाती है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।